तो आज ये जो सेशन है हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी के द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता की परीक्षा कहाँ जो 2 और 3 दिसंबर हेलो 2 और 3 दिसंबर 2023 को होनी है उसके लिए आगामी बैठक है और इस बैठक का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सरकार के जो दिशा निर्देश हैं वो आप तक पहुंच जाएं और सही तरीके से परीक्षा संपन्न हो जाए, क्योंकि इन परीक्षाओं में अधिकतर किंतु परंतु ज्यादा होती है। अध्यापक जो देश का निर्माण करते हैं उनके बारे में जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, कोचिंग देते हैं, वो कई बार लाइजनिंग कर जाते हैं और उनकी लाइजनिंग के लिए अभी हमने सभी खंड स्तर पर जितने कोचिंग सेंटर चल रहे थे सभी की मीटिंग ली और सभी को दिशा निर्देश दिए ताकि जो पास्ट में पुनरावृत्ति, जो पास्ट में कुछ बातें हुई हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो। इसमें 3 लेवल हैं, PRD, TGT और PGT। 3 परीक्षाएं हैं, सभी प्रधानाचार्य हैं, सभी अध्यापक हैं, सभी भली भांति जानते हैं कि प्राइमरी टीचर और PGT जो 10वीं तक 8वीं तक पढ़ाते हैं और PGT जो लेक्चरर है, तीनों की परीक्षाएं संपन्न होनी है फरीदाबाद में ही नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में, जिसके लिए शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से सुप्रिटेंडेंट जोगिंदर जी हमारे मंच पर पहुंच चुके हैं, आ चुके हैं। यही इस परीक्षा के नोडल हेड हैं भिवानी की तरफ से और यहाँ का जो दायित्व है वो अतिरिक्त उपायुक्त फरीदाबाद डॉक्टर आनंद शर्मा जी फरीदाबाद का नेतृत्व करेंगे और उसके नोडल अधिकारी जो है वो SDM पल्लवगढ़ त्रिलोकचंद जी वो उसके नोडल अधिकारी, देख रेख सिटी मजिस्ट्रेट फरीदाबाद करेंगे और इसमें जो फ्लाइंग स्क्वाड हैं वो भिवानी की तरफ से भी हैं, शिक्षा विभाग की तरफ से भी हैं और जिला प्रशासन की तरफ से भी हैं, जो उनका औचक निरीक्षण करेंगे और औचक निरीक्षण करने के बाद अपना जो फॉरम है वो फिलअप करेंगे और वो बोर्ड हो जाएगा। लेकिन जो ये पेपर होना है उसकी जो पूर्व की तैयारी है, सबसे पहले है एक दिन पहले शिक्षा विभाग से पेपर खजाने में आ जाएगा, ट्रेजरी में आ जाएगा, उसको जो हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं हर सेंटर पर एक जिला प्रशासनिक अधिकारी और एक जो बोर्ड से नॉमिनेटेड सदस्य है, हर सेंटर पर एक बोर्ड का कर्मचारी अधिकारी होगा, हर सेंटर पर एक जिला प्रशासन की तरफ से प्रशासनिक अधिकारी होगा, दोनों की संयुक्त टीम होगी, दोनों के पास गाड़ी सरकार की तरफ से दी जाएगी, वो अपनी गाड़ी का नंबर, अपने ड्राइवर का नंबर, उसका नाम अपने पास रखें और जो पेपर है ट्रेजरी से शाम को यदि 3 बजे पेपर होना है तो 12:30 बजे उन लोगों को ट्रेजरी पहुंचना है, वहां से पेपर लेकर के जो हमारा पेपर सेंटर है
उस पर एक घंटे पहले पेपर पहुंच जाना निश्चित करें, सुनिश्चित करें। रास्ते के अंदर कोई व्यवधान ना आए, उन्होंने अपनी गाड़ी को कहीं रोकना नहीं है, गाड़ी रोक करके कहीं जिप पर चाय पानी नहीं पी। भाई साहब थोड़ा सा डेकोरम रख दो। यदि सभी फोन पर लगे रहेंगे तो मेरे कहने का कोई फायदा नहीं रहेगा, और सभी लर्निंग पीपल है इसलिए मैं ये कहना उचित नहीं रहेगा। एक करते हैं तो दूसरे को भी रोकना मुश्किल हो जाता है, नियम सबके लिए होता है। तो मैं बता रहा था कि गाड़ी बीच में नहीं रुकनी चाहिए, और गाड़ी बीच में ना रुके इसलिए ट्रैफिक पुलिस को तैनात कर दिया गया है, उसको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं, लेकिन फिर भी आपके पास में जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम का नंबर है, शिक्षा विभाग के कंट्रोल रूम का नंबर है, और एजुकेशन बोर्ड भिवानी का भी नंबर है। कहीं पर यदि आपको देरी हो रही है, विलंब हो रही है, बहुत लंबा जाम है, या कहीं पर कोई ऐसी अनहोनी आपको दिखाई पड़ रही है, तो आप तुरंत सूचना दें कि यहाँ पर इस प्रकार की परेशानी है। जैसे आपने खजाना से पेपर को लिया, तुरंत पेपर सेंटर सुप्रिटेंडेंट के पास पहुंचना चाहिए, और सुप्रिटेंडेंट के पास पहुंचने के बाद में वहां जो फॉरम है उस पर साइन है, वो पेपर आपने लेना है उनसे, वो अपने पास रखना है। जो आपको खजाना अधिकारी से ट्रंक मिलेगा उसमें दो ताले होंगे, उसमें चाबी होगी एक लिफाफे के अंदर, वो चाबी आपने सेंटर सुप्रिटेंडेंट को देनी है, उसका फॉर्म फिलअप कराना है, जो ताला खुलेगा उसके अंदर जो मैटेरियल निकलेगा उस मैटेरियल की लिस्ट बनानी है आपके सामने, उसमें सेंटर सुप्रिटेंडेंट और सेंटर उप सुप्रिटेंडेंट और ये संयुक्त टीम के सदस्य ये उस पर साइन करेंगे। ये पहले देते समय में और पेपर खत्म होने के बाद मैं भी, दोनों बार एक ही प्रोसेस है, दोनों का फॉर्म अलग अलग है। ये हो गई फॉर्म पेपर लाने की और पेपर जमा करने की। दूसरा है कि सेंटर पर जैसे ही आप जाते हैं बिना आई कार्ड के कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, उसमें खाली आई कार्ड है और वो आई कार्ड सेंटर सुप्रिटेंडेंट वहां पर जितने भी ड्यूटी पर तैनात हैं उन सबको सेंटर सुप्रिटेंडेंट अपने साइनों से देंगे। कुछ अधिकारियों के जो हैं वो ब्लैक आई कार्ड आ चुके हैं, वो जिला प्रशासन से अपने आई कार्ड ले गए। जो ये घंटी ना बजे, थोड़ी देर वाइब्रेशन पर रख लें, क्योंकि मैं पीपीटी से नहीं बोल रहा, और कोई भी व्यक्ति जब इस प्रकार से बोलता है तो दिमाग हिलने के बाद में स्थिति दूसरी हो जाती है। पीपीटी पढ़ना बहुत आसान है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ा सा मुझे यदि अच्छे तरीके से कोऑपरेट करेंगे तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बता पाऊंगा। तो मैं बात कर रहा था कि आपने सेंटर की बात, सेंटर सुप्रिटेंडेंट के कार्य की बात कर रहा था। सेंटर सुप्रिटेंडेंट के कार्य क्या है? सेंटर सुप्रिटेंडेंट के यहां पर बच्चा आ गया और वो यदि कॉपी लेकर के भाग रहा है तो उसको तुरंत एफआईआर लॉज करानी है। यदि वो ब्लैंक कॉपी रख रहा है, ओएमआरसी ब्लैंक दे रहा है, तो उस पर रेड पेन से क्रॉस लगाना है और पर्यवेक्षक जो है उस पर साइन करेगा। यदि कोई नकल करता हुआ या किसी पर गलत गजट्स पाए जाते हैं तो उसकी भी
एफआईआर लॉन्च करनी है, यूएमसी बननी है, और उसके बाद वह जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, वहीं रहेगा पूरे टाइम तक पुलिस की सुपरविजन, उसको बाहर नहीं जाने देते। ये सेंटर सुपरिटेंडेंट के कार्य है। थोड़ा सा इसके बाद आपको इधर भी कर दिया। इसके बाद में जो फेस्टिंग की बात है, हमारे पुलिस ऑफिसर साहिबान पुराने साथी हैं, हर परीक्षा में साथ और सहयोग मिलता है, बैठे हैं, काफी अनुभवी हैं। इसमें जो गाइडलाइन है, क्योंकि गाइडलाइन हर बार अलग होती है, यूपीएससी में पुलिस की रिक्वायरमेंट कुछ अलग होती है। ये एसटेट बहुत दिन के बाद हो रहा है, बहुत पहले हुआ था कभी, इसकी गाइडलाइन कुछ अलग है। इसमें जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ दो दो लोग सशस्त्र आर्म्स के साथ में देने हैं, और सेंटर पर चार लोग, दो मेल और दो फीमेल, हर सेंटर पर चार लोग देने। उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट की फ्रेस्टिंग करने के लिए वहां पर बंद घेरा होना चाहिए, ये सेंटर सुप्रीडेंट को देखना है। वहां पर एक बोर्ड फ्लैक्स लगा हुआ हो, उस फ्लैक्स पर वो आइटम्स के नाम लिखे हुए हों कि ये आइटम लेकर के अंदर नहीं जा सकते हैं, जिससे कि विवाद ना बढ़े कि आपने तो लिखा ही हुआ नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, तो विवाद की घड़ी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए वो वहां पर फ्लैक्स पर दर्शाया जाने चाहिए। दूसरा, सेंटर सुप्रीडेंट को निश्चित करना चाहिए कि जो सामने से बच्चा जा रहा है, मेन गेट के सामने ही सीटिंग प्लान होना चाहिए, जो सभी बच्चे इधर उधर न भागे, ये मेरे सामने है तो यहाँ पर सीटिंग प्लान हो, उसको देखें। उस सीटिंग प्लान के बाद में वो अपने कमरे में जाएंगे, कमरे का जो सीटिंग प्लान है वो कमरे के बाहर होना चाहिए, कमरे का जो सीटिंग प्लान है, जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर डिस्प्ले होना चाहिए, कमरे का सीटिंग प्लान जो है, बेंच लगी हुई है उस पर उसका नंबर होना चाहिए। कमरे का सीटिंग प्लान तीन जगह, सबसे पहले बाहर का सीटिंग प्लान, ऑल ओवर प्लान है उस बिल्डिंग का कि कितने नंबर से कितने नंबर तक कौन से रूम में जाएंगे, रूम का जो प्लान है वो बाहर है, रूम के अंदर जाएंगे जो आपने कॉपी देनी है वो ब्लैक बोर्ड पर है, और वो 4x6 चार लेन, चार लाइन होनी चाहिए, उसमें 6 बच्चे होने चाहिए। 4x6 का मतलब है 4×6 = 24, 24 विद्यार्थी उस एक कमरे में हो सकते हैं, और हर सेंटर पर लगभग 312 विद्यार्थी की कैपेसिटी दी है, उसके अंदर कितने कमरे चाहिए। दूसरा, कमरे की जो व्यवस्था है वो पहले ही सेंटर सुपरिटेंडेंट ने देखनी है कि वहां पर कुर्सी है बैठने के लिए, मेज है, और लाइट की व्यवस्था है, कहीं और कोई व्यवधान तो नहीं है, टॉयलेट बाथरूम कितनी दूरी पर है, ये सारी चीज सेंटर सुपरिटेंडेंट की होती है, और वो सब कुछ बखान करना होता है, बताना होता है, जो भी कुछ जैसी स्थिति होती है उसके बारे में बताना होता है। तो इस सेंटर की सिचुएशन की बात हो गई, फ्रिस्किंग की बात हो गई कि फ्रिस्किंग की जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट की, और जैमर, हर सेंटर पर जैमर उपलब्ध एक दिन पहले हो जाएगा, एक दिन पहले जैमर लग जाना चाहिए, लेकिन जैमर की जो शुरुआत होगी वो परीक्षा होने से 25 मिनट पहले वो जैमर शुरू होगा, और परीक्षा संपन्न होने के 15 मिनट बाद तक वो जैमर चालू रहेगा, उसके बाद जैमर बंद हो जाएगा। लेकिन जैमर की चेकिंग करने के लिए जो दो टीम बनाई गई है, एक जिला प्रशासन की तरफ से और एक बोर्ड की तरफ से, वो दोनों टीम ये सुनिश्चित करेंगी